अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एंजॉय क्लास में। और एंजॉय क्लास का नाम मैंने चेंज करके अपने चैनल का नाम MEA क्लास रख दिया है, मोहम्मद एहतिशाम अली क्लास। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये टॉपिक्स चाहिए तो मेरी फेसबुक आईडी मोहम्मद एहतिशाम अली नाम से जो है उस पर भी है, वहाँ से भी आप अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की टॉपिक है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का प्रारंभिक जीवन, राज्यारोहण, यल्दोज कुबाचा, चंगेज खान, राजपूत राजा, दुआब नरेश तथा विद्रोहियों से संघर्ष, इल्तुतमिश की एकता व्यवस्था, न्याय व्यवस्था तथा मुद्रा प्रचलन इत्यादि। दोस्तों, ये हमारे नोट्स BA MA नेट JRF इत्यादि एग्ज़ाम्स के लिए और ये सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि MEA क्लास के सारी वीडियोस आपको मिलते रहें। तो आइए चलते हैं देर ना करते हुए। इल्तुतमिश, जिसका जीवन काल 1211 से 1236 ईस्वी राज्य काल है। दोस्तों, प्रारंभिक जीवन इल्तुतमिश इलबारी कबीले का तुर्क था। हेडिंग है प्रारंभिक जीवन। इल्तुतमिश इलबारी कबीले का तुर्क था। उसका पूरा नाम शमसुद्दीन बाउद्दीन अबुल मुनफ्फर अल्तमश इल्तुतमिश था। उसका पिता इलम खान था। वह आकर्षण तथा गुण संपन्न बालक था। उसके शालू भाइयों ने उसे जमालुद्दीन मोहम्मद नामक एक दास व्यापारी को बेच दिया। गजनी में उसे कुतुबुद्दीन ने जमालुद्दीन से खरीदा। अपने इस स्वामी को इल्तुतमिश ने अपनी प्रखर प्रतिभा से प्रसन्न कर लिया। इसके अलावा वह सैनिक शिक्षा में भी प्रवीण था। उसके सौंदर्य की प्रशंसा इतिहासकार मजुमदार ने भी की है। वह अदम्य उत्साही, पराक्रमी, साहसी एवं वीर था। इस कारण मोहम्मद गोरी भी उससे प्रभावित था और उसने उसकी सिफारिश करते हुए कुतुबुद्दीन को लिखा था, इन्वर्टेड कामा में है, इल्तुतमिश के साथ अच्छा व्यवहार करना, किसी दिन वह ख्याति प्राप्त करेगा, इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड। कुतुबुद्दीन उसे पुत्र कहकर पुकारता था। सन 1205 में वह खोखरों को दबाने में अपनी वीरता का प्रदर्शन कर चुका था। इससे उसे शीघ्र ही दास्ता से मुक्ति मिल गई। शीघ्र ही वह सर जानदार से अमीरे शिकार पद पर नियुक्त हो गया। फिर वह बुलंद शहर का शासक नियुक्त हुआ। कुतुबुद्दीन उसकी सेवा व प्रतिभा से इतना प्रभावित हो गया कि उसने उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया तथा उसे बदायूं का सूबेदार नियुक्त कर दिया। बदायूं की सूबेदारी संभावित उत्तराधिकारी को ही दी जाती थी। अब देखेंगे इल्तुतमिश का राज्यारोहण सक्सेशन हेडलाइन है। जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी उस समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। यह सही है कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का वास्तविक अधिकारी न था क्योंकि उसका पुत्र आराम शाह था। इल्तुतमिश दिल्ली के नागरिकों के निमंत्रण पर ही दिल्ली आया और उसने वहां आराम शाह को युद्ध में परास्त कर दिल्ली में तुर्की सल्तनत प्राप्त की। कुतुबुद्दीन भी इल्तुतमिश को ही सुल्तान बनाना चाहता था क्योंकि आराम शाह में सुल्तान बनने के गुण नहीं थे और आराम शाह का निर्वाचन लाहौर के नागरिकों का कार्य था। डॉक्टर त्रिपाठी के अनुसार सिंहासन पर इल्तुतमिश का अधिकार तीन बातों पर आधारित था। उसका अधिकारियों ने निर्वाचन किया था, दूसरा उसने विजय प्राप्त की थी तथा तीसरा वह शक्तिशाली था, उसे खलीफा ने मान्यता प्रदान की थी। अब हेडिंग है इल्तुतमिश की प्रारंभिक समस्याएं तथा उसका निवारण। इल्तुतमिश की सैन्य उपलब्धियां, यल्दोज से संघर्ष। यल्दोज को कुतुबुद्दीन ने दबा अवश्य दिया था पर वह गजनी का सुल्तान फिर भी बन गया था और वह पुनः दिल्ली को गजनी का ही भाग समझ रहा था। इल्तुतमिश ने इस प्रतिद्वंद्वी से छुटकारा पाने के लिए बड़ी राजनीति से काम लिया। भाग्यवश उसे 1215 ईस्वी में अवसर भी प्राप्त हो गया। 1215 ईस्वी में जब यल्दौज ने ख्वारिज्म के शाह से परास्त होकर पंजाब में शरण लेने का प्रयास किया, पंजाब आकर उसने कुबाचा के कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया और दिल्ली पर अपना दावा प्रस्तुत करने लगा। इल्तुतमिश के समक्ष अब यल्दौज के विरुद्ध युद्ध करने के अलावा अन्य चारा ही नहीं बचा था। अतः इल्तुतमिश ने उसे 1216 ईस्वी में तराइन के युद्ध में परास्त कर बंदी बना लिया तथा उसे बदायूं भेज दिया जहां उसका वध कर दिया। यल्दौज के पराजय से प्रोफेसर हबीब तथा निजामी लिखते हैं कि इसमें इल्तुतमिश को दो लाभ हुए। प्रथम, उसकी संप्रभुता को चुनौती देने वाले शत्रु का विनाश हो गया तथा दिल्ली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित हो गया।
नेक्स्ट हेडिंग है कुबाचा से संघर्ष। सन 1220 में मंगोल लोग सिंध तक आ पहुंचे और वे 4 वर्ष तक कुबाचा के प्रदेशों पर धावा बोलते रहे। अतः उनके आगमन से कुबाचा के शक्ति पर बहुत प्रहार हुआ। उसके अधीन अब केवल मुल्तान और सिंध ही रह गए थे। इल्तुतमिश ने उसकी निर्बलता का लाभ उठाना चाहा। सर्वप्रथम उसने कुबाचा के समर्थक खलजी तथा ख्वारिज्म के शाह को अपने पक्ष में कर लिया। फिर उसने 1228 ईस्वी में 2 सेनाएं भेजी, एक लाहौर से मुल्तान पर तथा दूसरी दिल्ली से उच्च पर, जिससे कुबाचा घबरा गया और भागकर सिंध के निचले भाग में स्थित भक्कर के किले में शरण ली। सुल्तान के सैनिकों ने उस किले पर भयंकर आक्रमण किया तो वह निराश होकर सिंधु नदी में कूद पड़ा और अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। तारीख मुबारकशाही में लिखा गया है कि कुबाचा का संकट अब सदैव के लिए दूर हो गया तथा मुल्तान व उच्च दिल्ली में मिला लिए गए। नेक्स्ट हेडिंग है चंगेज खान के आक्रमण। 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश को इन सब आपत्तियों से भयंकर आपत्ति का सामना करना पड़ा। इस वर्ष मंगोल जाति का नेता चंगेज खान तमोजिन ख्वारिज्म के शाह के पुत्र जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करता हुआ भारत आ पहुंचा। चंगेज खान के आक्रमण से भयभीत मकबरनी ने इल्तुतमिश से सहायता प्राप्त करने की दृष्टि से उसके दरबार में अपना एक दूत भेजा। इसके जवाब में इल्तुतमिश ने उस दूत का वध करवा दिया और शाह को कहला भेजा कि दिल्ली की गर्म जलवायु उसके अनुकूल नहीं है। इस पर जलालुद्दीन मकबरनी भारत छोड़कर चला गया और उसके चले जाने पर मंगोल लोग भी भारत की भयंकर गर्मी से व्यथित होकर शीघ्र ही भारत छोड़कर पश्चिम की ओर चले गए। यहाँ से लौटकर चंगेज खान ने दक्षिणी रूस व चीन के प्रदेशों को विजित किया। 10 वर्षों तक निरंतर विजय प्राप्त करने के बाद वह अपने स्थान कुरुल्तायु लौटा और 62 वर्ष की आयु में 18 अगस्त सन 1227 ईस्वी में वह इस लोक से विदा हो गया। इस प्रकार भारत पर आई एक भीषण विपत्ति सुगमता से टल गई। डॉक्टर एल श्रीवास्तव लिखते हैं, इन्वर्टेड कामा में है, यदि इल्तुतमिश ने इससे भिन्न नीति अपनाई होती तो दिल्ली सल्तनत आरंभ में ही नष्ट हो गई होती। राजपूत राज्यों पर विजय, ये नेक्स्ट हेडिंग है राजपूत राज्यों पर विजय। सन 1206 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु से ही तुर्कों की शिथिलता के कारण राजपूत राज्य स्वतंत्र हो गए थे। कलिंजर में चंदेल, ग्वालियर में प्रतिहार शासक, राजस्थान में रणथंभौर, जालौर के चौहान शासक और अलवर क्षेत्र के भट्टी राजपूतों ने अपने राज्यों का विस्तार भी कर लिया था। इल्तुतमिश इन राज्यों को पुनः जीतने का अभियान सन 1226 ईस्वी में आरंभ कर सबसे पहले रणथंभौर जीता और वहां तुर्क सेना रख दी। सन 1227 में उसने मंदौर को अधिकृत किया। इसके बाद जालौर, बयाना और थंगीर को जीता। अंत में अजमेर, नागौर को जीतकर इल्तुतमिश ने वहां तुर्क गवर्नर नियुक्त किया। नेक्स्ट हेडिंग है दुआब नरेशों को दबाना। जब सुल्तान तुर्की रक्षकों के विद्रोह को शांत करने में व्यस्त था तो दुआब के कुछ नरेशों ने बदायूं, कन्नौज व बनारस पर स्वतंत्रता प्राप्त कर तुर्की सरदारों को मौत के घाट उतार दिया। क्रुद्ध होकर सुल्तान ने उनके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही कर सबको अपने अधीन कर लिया। अवध को भी भयंकर युद्ध करने के उपरांत अपने अधीन कर लिया और वहां नसरुद्दीन महमूद को सूबेदार नियुक्त किया। नेक्स्ट हेडिंग है इल्तुतमिश का शासन प्रबंध। इल्तुतमिश से पहले दिल्ली राज्य में सैनिक शासन व्यवस्था थी, परंतु इल्तुतमिश ने सैनिक शासन व्यवस्था को बदल दिया। उसने शासक के पद और उसकी प्रतिष्ठा को सर्वोपरि समझा। इसके बाद उसने स्वामी भक्त कर्मचारियों की नियुक्ति की ओर ध्यान दिया, क्योंकि सुल्तान बनते ही उसने ध्यान दिया कि ऐबक के समय के कर्मचारी उसके प्रति स्वामी भक्त नहीं है। इस समस्या का समाधान करने के लिए उसने 40 गुलामों की नियुक्ति की। राज्य के उच्च पद उन्हीं को सौंपे। कुतुबुद्दीन के समय के बहुत से विरोधी कुतुबी, कुतुबुद्दीन के समर्थक को कुतुबी कहा जाता है, तथा मुइजुद्दीन के समर्थक तो युद्ध में मारे गए और जो शेष रहे उन्हें पदच्युत करके, मतलब पद उनका डिमोशन कर दिया गया। इस प्रकार सुल्तान ने उच्च पदों पर
केवल अपने विश्वास पात्र तथा स्वामी भक्त अधिकारी ही नियुक्त किए। इसके अलावा वह अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर करता था। मिनहाज सिराज को उसने अपना प्रधान काजी नियुक्त किया। इकता व्यवस्था। इल्तुतमिश के शासन व्यवस्था का भी बड़ा महत्व था। उसने इकता व्यवस्था चालू की। इकता दो प्रकार की होती थी, छोटी इकता व बड़ी इकता। छोटी इकता में आधे गांव व छोटे गांव होते थे, जबकि बड़ी इकता में विस्तृत प्रदेश होते थे। छोटी इकता वेतन के स्थान पर दी जाती थी और उनका राजस्व इकता पाने वाले को मिलता था। बड़ी इकता प्रमुख मालिक व अमीरों को दी जाती थी। इकता का अर्थ एक प्रकार की जागीर से है। इकतादार एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित भी कर दिए जाते थे। अब है हेडिंग, विद्रोह, जातियों का दमन। इल्तुतमिश ने जो दूरदर्शिता का कार्य किया था वो पहाड़ी तथा जंगली क्षेत्रों में अपने तुर्क लोगों को बसाना। खोखर लोगों में तुर्क बसाए गए तथा दुआब के पर्वतीय भागों में ऐसा ही किया गया। परिणाम स्वरूप इन जंगलों में विद्रोह जातियों की स्वतंत्रता नष्ट हो गई और वे अब मन चाहे समय पर बगावत करने से स्वतंत्र नहीं रहे। न्याय व्यवस्था। इल्तुतमिश ने न्याय की ओर भी समुचित ध्यान दिया। इब्ने बतूता ने लिखा है कि शाही महल के द्वार पर दो सिंहों की मूर्ति रखी रहती थी, जिनके मुख में लगी जंजीर को दबाने से घंटी बजती थी। फरियाद करने वाला इसके माध्यम से सुल्तान को फरियाद करता था। न्याय करने हेतु उसने दिल्ली में काजी तथा अन्य नगरों में अमीर दाद नियुक्त किए। इनकी अपील प्रधान काजी व स्वयं सुल्तान के पास होती थी। मुद्रा प्रचलन। इल्तुतमिश प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने अरबी ढंग के सिक्के चलाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इल्तुतमिश प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने अरबी ढंग के सिक्के चलाए। उसने चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल चलाया। इन सिक्कों के माध्यम से राज्य का व्यापार तो बढ़ा ही, पर साथ में जनसाधारण की आस्था भी सुल्तान के प्रति बढ़ी। सुल्तान का वास्तविक संस्थापक। यह हेडिंग। इतिहासकारों का मान्यता है कि यह इल्तुतमिश के सद प्रयत्नों का परिणाम था कि तुर्की राज्य में अराजकता समाप्त हुई और शांति की स्थापना हुई। उसने दिल्ली को केवल राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक केंद्र भी बनाया। इसलिए सर्वुलजले हेग डॉक्टर केदत्त डॉक्टर आर सी मजुमदार उसे गुलाम वंश का सबसे महान शासक मानते हैं। सर्वुलजले हेग डॉक्टर केदत्त डॉक्टर आर सी मजुमदार उसे गुलाम वंश का सबसे महान शासक मानते हैं। इसी का समर्थन करते हुए लेन पुल लिखते हैं, गुलाम वंश राज्य का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है, जिसको कि सुदृढ़ करने के लिए कुतुबुद्दीन अधिक समय तक जीवित नहीं रहा था। लेनपुल की वाक्य समाप्त। अब डॉक्टर आर सी मजुमदार ने इसका समर्थन इस प्रकार किया है, नोटेड कामा में, इल्तुतमिश दिल्ली की तुर्की सुल्तान का जो 1290 ईस्वी तक चलती रही सबसे महान शासक उचित रूप से माना जा सकता है, इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड। जैसा कि इल्तुतमिश के शासन काल से स्पष्ट होता है, उसका समस्त जीवन लड़ाइयों एवं संघर्ष में बीता। इस कठोर परिश्रम के कारण उसका समर्थन शीघ्र ही खराब हो गया। वह सन 1236 परिश्रम के कारण उसका स्वास्थ्य शीघ्र ही खराब हो गया। वह सन 1236 ईस्वी में बीमार पड़ा। हकीम उसका इलाज नहीं कर सके और उसी वर्ष 29 अप्रैल को इस दुनिया से विदा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा तो दोस्तों, MEA क्लास मैंने चैनल का नाम रखा है, पहले इंजॉय क्लास था और एंजॉय क्लास से मैंने नाम चेंज करके कुछ दोस्तों की सिफारिश पे MEA क्लास रख दिया है। और फेसबुक पे भी मैं अपना वीडियो अपलोड करता हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, मोहम्मद एहतशाम अलीग। तो आज का टॉपिक था इल्तुतमिश और उसके पूरी व्यवस्था। तो दोस्तों एक बार अंत में मैं फिर से कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और हमारे वीडियोज़ जो हैं उनके लिए कमेंट भी करें। तो थैंक यू।